पर मैं आका अलैहिस्सलाम ने छागल में अपना दस्त मुबारक डाला और हमने देखा कि आपकी उंगलियों से चश्मों की तरह पानी निकलने लगा, उबल उबल कर चश्मों की तरह पानी निकलने लगा। और हम 1500 थे, हमने वुजू भी किया, पिया भी, गौसल भी किए, और कहा अगर लाख सहाबा भी होते तो वो पानी पूरा रहता। अब एक बात तवज्जो तलब है, बाज़ उलमा आजकल इस तरह की तमाम हदीस को तकसीरुल मा के तहत लिखते हैं, यानी मौजज़ा ये था कि पानी बढ़ गया, थोड़ा पानी बढ़ गया। ये तकसीरुल मा नहीं है, ये तखलीकुल मा है। ये अलग वाकयात हैं, मैं ये समझाना चाहता हूं, वक्त कम है। ये अलग वाकयात हैं कि कहीं थोड़ा सा पानी था, आकर सलाम ने हाथ मुबारक डाला और पानी बढ़ गया, सैकड़ों को पूरा आ गया। थोड़ा पानी दस्ते मुबारक डालने से पानी बढ़ जाए, पानी इटसेल्फ बढ़ जाए, उसको कहते हैं तकसीरुल मा, पानी का बढ़ जाना। और जो हदीस मैं कोट कर रहा हूं बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह, इसमें ये हदीस में एक लफ्ज भी किसी सहाबी की जुबान से नहीं आया कि वो पानी बढ़ गया। याद रख लें, पानी बढ़ जाने का लफ्ज हदीस की किसी इबारत में नहीं आया। इसमें वो ये है कि आपने हाथ रखा और आपकी उंगलियों से, हाथों से पानी के चश्मे उबल पड़े। थोड़ा पानी नहीं बढ़ा बल्कि पानी के चश्मे दस्ते मुस्तफा से फूटे। मुआजना कीजिए हजरत मूसा के उस मुकाम के साथ, उनसे उनकी कौम ने पानी मांगा, आपने पत्थर पर असा मारा, डंडा मारा, और पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। अरे पत्थरों से चश्मे फूटा करते हैं, चश्मे पत्थरों से ही फूटते हैं, वो खुश पत्थर थे। हजरत मूसा के असा से चश्मों का फूटना मौजजा था, तो मगर मौजजा यह था कि असा से चश्मे फूटे। और आका अलैहिस्सलाम का ये आलम देखिए कि इंसानी जिस्म से पानी के चश्मे कभी नहीं फूटे, गोश्त और पोस्ट से पानी के चश्मे इंसानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कभी फूटे हों। आका अलैहिस्सलाम ने उंगलियां रखी, हाथ से चश्मे फूटे, और इतना पानी मेरे आका के जिस्म अथर से उंगलियों से निकला कि कहते हैं लाख होते तो वो भी काफी रहता। यह तकसीरुल माइल कलील ना था, कम पानी को बढ़ा देना ना था, बल्कि अपनी चश्मा, अपनी अंगुष्ट मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे पैदा कर देना था। यह हुजूर की कुदरत और तसर्रुफ का मुकाम था। अब यह वाकयात तो आपने बहुत से पढ़े अहादीस में, अब एक खास हदीस का एक वाकया आज कोट करना चाहता हूं जो शायद इत्तेफाक बहुत कम हुआ हो बड़े उलमा को छोड़कर कि आपने सुना हो कि आका की कुदरत और तसर्रुफ का आलम क्या है। इमाम वाकदीन अल मगाजी में रिवायत किया है और इमाम हलबीन सीरतुल नबविया में रिवायत किया है, और इन तमाम कुतुब में वाकया ये आता है कि जब गजवाए तबूक से आका अलैहिस्सलाम वापस पलटे, गजवाए तबूक से, तो रस्ते में रुके, एक सहाबी के पास पानी था, लश्कर आगे चला गया, आका अलैहिस्सलाम एक काफिले के साथ पीछे थे, लश्कर को आगे भेज दिया, आगे चले जाओ। पास एक खादिम था, उसके पास छागल थी छोटी सी, उसमें पानी था, उसने पानी यूज किया, वुजू किया, मेरे आका ने फरमाया इसमें थोड़ा सा बचा के रख लेना, शायद आगे जरूरत पड़े, थोड़ा सा रख लो शायद आगे जरूरत पड़े। वो सहाबी कहते हैं उबैदुल्ला बिन अब्दुल अजीज, उनकी रिवायत सनत के साथ आती है इमाम वाकिदी की, और वह हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला ने उसी रिवायत करते हैं, हजरत अबू कतादा कि जब तबूक से चले तो वापसी पर मैंने वो थोड़ा सा पानी बर्तन में रख लिया, हम आगे पहुंचे, फरमाया या अबा कतादा एहतफिज बिमा फिल अदावत व रिकवत फइन्ना लहा शानन, आगे जरूरत पड़ने वाली है, ये चंद कतरे जो बच गए हैं महफूज रख लेना। कहते आगे पहुंचे तो बड़ा काफिला रुका हुआ था और परेशान थे, नमाज का वक्त था और किसी के पास पानी का कतरा न था कि वुजू कर सके, कोई गुस्ल कर सके, कोई पानी पी सके, जानवरों को पिला सके, ऊंट थे। अब सुनिए सहाबा कितने थे, 30,000 सहाबा थे, गजवाए तबूक से आ रहे हैं वापस, 30,000 सहाबा थे, 15,000 ऊंट थे, 15,000, और 10,000 खच्चर और गाय मवेशी थे, बकरियां वगैरह मिलाकर 10,000, 55,000 नफूस थे जिंदा, 30,000 सहाबा,
15,000 ऊंट सवारियों के लिए और 10,000 बकिया मवेशी और जानवर, 55,000 जिंदा नफूस थे, लिविंग एनिमल्स। आकल सलाम पहुंचे, पूछा क्या माजरा है? अर्ज किया आका पानी का कतरा नहीं। हदीस के लफ्ज आकल सलाम ने उस छागल में हाथ डाल दिया। जब छागल में हाथ डाला फवादा आसा बेहू अलैहा, उसके ऊपर रख दिया, और ये भी अंदर भी नहीं, उस छागल के पानी के ऊपर हाथ रखा। फनाबा अल माओ मिन बैने असाबे अही, आपकी मुबारक उंगलियों के दरमियान से चश्मे फूट पड़े और चश्मे फूटे, इतना पानी मेरे आका के हाथों में से जिस्म अक्दस के निकला कि 55,000 नफूस ने मेरे आका के उंगलियों से निकलने वाले पानी से वुजू भी किया, गुस्ल भी किया और पानी पिया, शराबी भी की। 30,000 से आबा ने पिया, 55,000 ऊंटों ने पिया, 10,000 बकाया मवेशी और जानवरों ने पिया। आप अंदाजा करें, चंद कतरे पानी के छागल में हैं, उनके ऊपर मेरे आका हाथ रखते हैं, वो पानी कहां से पैदा हो गया जो 55,000 नफूस पी गए, इंसान भी और जानवर भी। मेरे आका को अल्लाह ने वो कुदरत अता की, वो कुदरत अता की, वो तसर्रुफ अता किया कि वो पानी को बढ़ाते न थे, पानी पैदा फरमा देते थे, और चंद कतरों को 55,000 नफूस की जरूरत के लिए काफी रहने वाला पानी बना दिया। आका अलैहिस्सलाम का इसी तरह आपकी शान अकदस का एक आलम सुनिए। इसी सफर में हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा उस सफर में साथ थे, और वो रिवायत करते हैं, दलाइल नबुवत इमाम बेहकी की रिवायत, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं सफर में खाने का कुछ ना रहा, मुसाफिर थे सैकड़ों की तादाद में, सहाबा कराम सैकड़ों की तादाद में भूखे थे, कुछ ना बचा। लोग परेशान हुए, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गए, आका खाने का कुछ नहीं। आपने फरमाया या अबा हुरैरा था अम्मा आका शैउन, ए अबू हुरैरा क्या तुम्हारे पास कुछ है? अब सुनिए, ये सहाबा का अकीदा था, उनको पता है कि आका के पास भी तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, जाहिरन खाना तो आपने जमा करके नहीं रखा। अरे पानी ना होता तो हुजूर से मांगते, खाना ना होता हुजूर से मांगते, बारिश ना होती हुजूर से मांगते, कहत होता तो हुजूर के पास आके मांगते। उनको पता था कि रब्बे कायनात ने ताजदारे कायनात को सारी कायनात का मालिक को मुतसर्रफ बनाया है, और इतना अमरे तकवीन दिया है, इतना तसर्रुफ इख्तियार और कुदरत दी है कि जिस शय को इशारा कर दें जो चाहे वो शय वही बन जाए। ये अकीदा था सहाबा कराम का। आकर सलाम ने बुलाया अबू हुरैरा, तुम्हारे पास कुछ है? ले आओ मेरे पास। अर्ज किया या रसूलल्लाह, मेरे पास छोटा सा एक थैला है, थैला उसमें कुछ खजूरें हैं। आका ने फरमाया ले आओ वो थैला। वो फरमाते हैं कि फाखरज तो मैन हो तमरन फाता ही तो हूं, मैं उस थैले की खजूरें लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। 21 खजूरें निकली, 21 खजूरें आकर सलाम ने दस्तरखान पे रख दी। फरमाया सारे लश्कर को बुलाओ, 10-10 आदमियों के ग्रोह बना के बुलाते जाओ। 10-10 आदमी आते गए, कुल 21 खजूरें थी और पेट भर के खाते गए। 10 का ग्रोह आके चला गया, फिर फरमाया अगले 10 बुला लो, फरमाया अगले 10 बुला लो। 10-10 करके सैकड़ों सहाबा कराम को उन 21 खजूरों में से खिला दिया। अब सवाल यह है, वो बढ़ती हुई नजर तो नहीं आ रही किसी को? ऐसा नहीं हुआ, सुनिए, कि 21 थी, देखते देखते 25 हो गई हो, 30 हो गई हो, 40 हो गई हो, 50 बन जाए, 100 बन जाए, बढ़ नहीं रही हैं वो 21, 21 की 21 ही पड़ी हैं, और सैकड़ों से हवा कराम का लश्कर खा गया है, वो क्या खा रहा है? वो खजूरें कहां से पैदा हो रही हैं? ये तखलीक उत्ताम है, खाना हुजूर तखलीक फरमा रहे हैं। जब सारे सहाबा और लश्करियों ने खा लिया, और फिर मुझे बुलाया कि अबू हुरैरा गिनो, मैंने गिना तो 21 की 21 खजूरें पूरी थी। तो हजरत अबू हुरैरा की 21 खजूरें वहीं की वहीं रही, और सैकड़ों सहाबा को पेट भर के मेरे आका ने खजूरें खिला दी। आगे सुनिए, फिर आकर इस्लाम ने फरमाया अबू हुरैरा इन खजूरों को अपने थैले में डाल लो, अपने पास महफूज कर लो, जब जिंदगी भर जरूरत पड़े
हाथ डाल के निकाल के खाते रहना, तकसीम करते रहना, मेहमानों को खिलाते रहना, पड़ोसियों को खिलाते रहना, मोहल्लेदारों को खिलाते रहना, खुद खाते रहना, खोल के कभी ना देखना थैले को, जितनी जरूरत पड़े निकालते रहना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो 21 खजूरें जो निकाली थी वो सारी 21 की 21 मैंने थैले में वापस डाल दी और मैं फिर उनको खाता रहा। कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में खाता रहा और खिलाता रहा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के 2.5 साल गुजर गए खिलाफत के, खाता रहा खिलाता रहा। सैयदना फारूक आजम के 10 साल गुजर गए, उसी थैले में से खजूरें निकाल के खाता रहा, खानदान को खिलाता रहा। फिर हजरत उस्मान के 12 साल गुजर गए खिलाफत के, मैं खजूरें खाता रहा खिलाफत खिलाता रहा। गोया फरमाते हैं 25 साल तक उस छोटे से थैले से, और फरमाते हैं थैला भी मैंने अपनी पिंडली के साथ बांध के रखा हुआ था, इतना छोटा सा थैला था 21 खजूरों का पिंडली के साथ, 25 साल तक खजूरें खाता रहा तकसीम करता रहा। और फरमाते हैं 200 वसक खजूरें हमने खुद खाई, 50 वसक खजूरें सदका और खैरात की, 200 वसक और 50, 250 वसक। हजरत उस्मान की शहादत के दिन वो थैला मुझसे गुम हो गया, अफरा तफरी में गुम हो गया, वरना नस्लों तक सदियों तक वो चलता और खाना खत्म ना होता। 1 वसक 60 सा का होता है और 1 सा 2 किलोग्राम का होता है, गोया 1 वसक 125 केजी का होता है, 1 वसक 125 केजी। 250 वसक कहते हमने उसमें से इस्तेमाल की, मैंने कैलकुलेट किया तो ये टोटल वजन जो हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं ये 785 मन खजूरें बनता है। 25 साल में 21 खजूरें थैले में जो की तू रही पिंडली के साथ, जिस दिन सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए 25 साल तक खाई और मेहमानों को खिलाई और सदका खैरात भी की अहले मदीना, और को फरमाया 785 मन खजूरें उस छोटे से थैले से निकाल के खाई और खिलाई। और केजीज में किलोज में ये बनता 31,492 केजीज किलोग्राम, 31,000 यानी 31,500 किलोग्राम खजूरें और 785 मन खजूरें। अरे उस छोटे से थैले से 25 साल तक निकलती रही। अब आका अलैहिस्सलाम तो नहीं थे, ये बोली आका अलैहिस्सलाम तो नहीं थे, बस 21 खजूरों को मुस्तफा ने अपना हाथ लगा दिया था और फरमाया था खोल के ना देखना क़यामत तक खत्म नहीं होगी। तो ये खजूरें किसने तख्लीक फरमा दी? ये तसर्रुफ था मेरे आका का, ये कुदरत थी मेरे आका अलैहिस्सलाम की कि ताजदार कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तसर्रुफ अता किया कि जिस शय का जो इशारा कर देते और जो फरमा देते वही चीज हो जाती। हत्ता के सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जिस दिन चांद ग्रहण हुआ, एक रोज चांद ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण हुआ, सूरज, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई हमें सूरज ग्रहण में, जब नमाज पढ़ाई तो नमाज के अंदर हमने देखा कि आकर अलैहिस्सलाम एक बार आगे हो गए, आगे बढ़े और किसी चीज को पकड़ा और पकड़ के आकर अलैहिस्सलाम ने फिर छोड़ दिया। ये मुत्तफक अलैह हदीस बता रहा हूं। ये थी दुनिया की खजूरें, दुनिया के दरख्त, दुनिया का आलम नबातात। अब जिस तरह मैंने बात की थी उस दरख्त की, जन्नत पे भी मेरे आका का इसी तरह तसर्रुफ कब्जा है। दुनिया और आखिरत सब कुछ ताजदार कायनात के तसर्रुफ कुदरत में है। लोगों चिमट जाओ इन कदमों से जैसे अबू हुरैरा चिमट गए। तो 21 खजूरें 800 मन खजूरें बना दी, तुम चिमट जाओ आका के कदमों के तवस्सुल से चिमट जाओ, तुम्हारी तकदीरें बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि दुनिया भी हुजूर के दस्ते तसर्रुफ में है और जन्नत व आखिरत भी आका के दस्ते तसर्रुफ में है। मुत्तफक अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं قال خسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال اني اريد الجنه فتناولت منها انقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम
सहाबा कहते हैं आका सूरज ग्रहण की आपने नमाज पढ़ाई, नमाज कुसूफ, हमने देखा कि आप अपनी जगह पर खड़े हाथ उठाया और आगे होकर आपने कोई चीज पकड़ ली, दौराने नमाज कोई चीज पकड़ ली, फिर हमने देखा कि आपने उस चीज को छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद पीछे हटाए, क्या माजरा था? यह मुत्तफक अलैह हदीस है, कोई रद्द नहीं कर सकता। आका अलैहि सलाम ने फरमाया लोगों हालत नमाज में मुझे जन्नत नजर आई, जन्नत मेरे सामने थी, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत में मैंने अंगूरों के और फलों के दरख्त देखे और फलों के अंगूरों के खोशे लटक रहे थे, मेरा ध्यान बलाल की गुर्बत पे चला गया, मेरा ध्यान अबू हुरैरा की गुर्बत पे चला गया, मेरा ध्यान सलमान फारसी की गुर्बत पे चला गया, मेरा बयान असहाबे सुफा की गुर्बत और भूख पर चला गया। तुम्हारे अंदर भूख है, मेरा जी चाहा कि तुम्हारी भूख मिटा दूं, मैंने जन्नत के फलों के एक खोशे को पकड़ लिया, अंगूरों के और फलों के खोशे को पकड़ लिया और चाहा कि ले आओ तुम्हें दे दूं, और खुदा की कसम अगर मैं वो ले आता और तुमको दे देता तो फिर सहाबा ताबेईन अतबा व ताबेईन नस्ल दर नस्ल कयामत तक मेरी उम्मत के जिन लोगों के पास वो खोशा होता वो फल खाते रहते, कभी खत्म ना होते। मा बाकियत दुनिया, जब तक दुनिया कायम है कयामत तक वो फल खत्म ना होते अगर ले आता। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने वो ला के आपको दे दिए तो तुम मेहनत मजदूरी छोड़ दोगे, रोजी कमाना छोड़ दोगे, उसी पर इक्तफा करोगे। मैंने पसंद किया कि नहीं, मेहनत करो, मजदूरी करो, मशक्कत करो, कभी खाने को मिले कभी भूख मिले, ये बेहतर जिंदगी है, तो मैंने छोड़ दिया। तो इस हदीस से पता चला कि आका के इख्तियार और तसर्रुफ का ये आलम है कि जन्नत के दरख्त के खोशे भी फलों के अगर लाना चाहते उस दिन तो आका ने फरमाया मैं ला के तुम्हें दे सकता था और कयामत तक वो फल तुम्हारे अंदर रहते। यहां एक गलतफहमी दूर कर दूं, बाज़ लोगों को अहले इल्म को मुगालता है, वो माज़अल्लाह इस हदीस को बयान करते हुए ये कह देते हैं कि वो जन्नत नहीं थी बल्कि जन्नत की तस्वीर दिखाई गई थी। तौबा करें, ये नादानी की बात है। आका अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह उनकी समझ और बूझ पर आपने इतना शक कर लिया कि आप हकीकी जन्नत और जन्नत के दरख्त और उसकी तस्वीर में फर्क ना कर सके, समझ नहीं आ रहा कि आका फर्क ना कर सके। माशाल्लाह इतना समझ लिया, एक आम आदमी भी फर्क करता है, अगर तस्वीर नजर आए तो जान लेता है तस्वीर है, और तस्वीर हो तो एक समझदार आदमी हाथ डालेगा तस्वीर के दरख्त के फलों को पकड़ने के लिए, एक बच्चा भी नहीं डालता। 8-9 साल के बच्चे को भी पता है कि यह तस्वीर है और उसके दरख्त हैं, और तस्वीर के दरख्त में फलों पर हाथ नहीं डाला जा सकता। आपने ताजदार कायनात अलैहि सलाम के फहम पर इतनी माशाल्लाह तो मत लगा ली, तौबा करो, वो तस्वीर न थी। तस्वीर होती तो हुजूर दरख्त के खोशों को हाथ ना डालते, उनको हाथों से ना पकड़ते और ये ना फरमाते कि अगर लो अखस्तहु लाकल तुम मिनहु मा बाकियत दुनिया, अगर मैं ले आता तो क़यामत तक वो पल खत्म ना होते, ये कलिमात ना फरमाते, ये तस्वीर को नहीं कहे जाते। असल जन्नत मेरे आका के सामने थी, असल दरख्त सामने थे, दरख्त के फलों के खोशे सामने थे, तो साबित कर दिया, उम्मत को बताया कि मेरे तसर्रुफ और इख्तियार का ये आलम है कि अगर जन्नत के दरख्तों पर भी तसर्रुफ करूं, यहां चाहूं तो दुनिया का दरख्त उस तो निहनाना जन्नत में लगा दूं और फलदार बना दूं, और जन्नत का दरख्त उसका फल हो तो चाहूं तो दुनिया में आके लगा दूं और क़यामत तक तुम्हें खिला दूं। मेरे आका के तसर्रुफ इख्तियार का वो आलम है, ये वो अजमत है, ये वो बुलंदी है, ये वो रिफत मकानत है, ये मेरे आका की वो शान है कि जो अल्लाह के बाद कायनात की हर शय न सिर्फ हुजूर के ताबे बल्कि आका अलैहिस्सलाम के तसर्रुफ इख्तियार में है। यही वजह है कि कई मुकामात पे ऐसे होता, कुफार की बात नहीं कर रहा, वो वाकयात हैं अलग हैं, कि जब किसी ने कहा या रसूलल्लाह मुझे अलामत बताइए अपने सच्चे नबी होने की, तो आपने फरमाया जाओ इन खजूर के दो दख्तों को आवाज दो, टहनी को आवाज दो, तो टहनी टूट कर सजदा करती मेरे आका के कदमों में आ गई, उस अराबी ने कलमा पढ़ लिया। ऐसे वाकयात बेशुमार हैं, बेशुमार हैं, वो बयान नहीं कर रहा। अरे मैं तो ये बयान कर रहा हूं जहां किसी काफिर का वजूद नहीं, किसी ने मुतालबा नहीं किया, मोजज़ा दिखाने की हाजत नहीं, ये मेरे आका की रवेश जिंदगी है, ये रोजमर्रा के मामूलात हैं, आपके तसर्रुफात और इख्तियारात सिर्फ सहाबा साथ हैं।
सहाबी बयान करते हैं, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस सही है, कई बार ऐसा होता हम हुजूर के साथ जा रहे हैं, सहरा है, आपको हाजत पेश आती, पर्दे की जरूरत पेश आती और सिर्फ हम सहाबा साथ होते, कोई दरख्त न था, तो आका हमें फरमाते कि जाओ उस दरख्त की टहनी को पकड़ के कहो तुम्हें रसूलुल्लाह का हुक्म है, और दरख्त को कहो कि जमीन चीर कर इधर आ जाओ, उस दरख्त को कहो रसूलुल्लाह का हुक्म है जमीन चीर के दोनों मिल जाओ, दोनों दरख्त मिल जाते पर्दा बना लेते, और जब आका अलैहिस्सलाम फारिग होते अपनी जरूरत मुबारका से तो फरमाते जाओ उन्हें वापस कह दो कि जाके फिर अपनी जगह पर जुड़ जाओ। ये कुफार के मुतालबे के बगैर कालन कादी अलैया बेज़निल्लाह हदीस के लफ्ज हैं, उन दरख्तों से कहो इज़्न इलाही से मेरी इताअत करो। अरे दरख्त भी हुजूर की इताअत करते थे, टहनियां भी इताअत करती थी, हैवान भी इताअत करते थे, आका अलैहिस्सलाम को देखते तो ऊंट सजदे में गिर जाते, बकरियां सजदे में गिर जाती, हर शय पे हुजूर का तसर्रुफ, हत्ता के पूरी कुर्रे अर्जी पर जमीन पर मेरे आका का तसर्रुफ। इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं हदीस सही, अनस इब्न मालिक रावी हैं, एक शख्स आका अलैहिस्सलाम का मुसलमान हुआ और आका अलैहिस्सलाम का कातिब बन गया, उसको लिखना पढ़ना आता था, वो वही किताबत करता था, बाद में बदबख्त दुनियावी मफाद में फिर मुर्तद हो गया और मुशरिकीन से जा मिला और आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने लगा, और हुजूर अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली वही में लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करने लगा। आका अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची, आका ने फरमाया एक जुमला, फ़क़ाल नबी इन्नल अर्द लम तक़बुल तक़बल, जब मरेगा जमीन इसको कबूल नहीं करेगी, बस उस बदबख्त ने मेरी गुस्ताखी की और मेरी वही पर जुबान दराज जुबान तान दराज की, जमीन कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा रिवायत करते हैं कि खुदा की कसम जब वो शख्स मरा हम गए उसको दफन करते थे, जमीन उठाकर उसकी लाश को बाहर फेंक देती थी, फिर लोग दफन करते थे, जमीन की कब्र गड़ा उठाकर बाहर फेंक देता था। दफन ना हो मिरारन फलम तकबल हुल अर्द, वो कहते हैं कि हमने कई बार उसको दफन किया, जमीन ने हर बार उठाकर बदबख्त को बाहर फेंक दिया, इसलिए कि जो शख्स अगर मेरे आका तवज्जो कर दे तो जमीन कैसे गवारा करे। हुजूर तो मालिक को मुतसर्रिफ हैं, मालिक को मुख्तार हैं, और वो बात आपने कसरत से सुनी है मगर मैं उसको उसकी हदीस की एक और रिवायत खास जिस पर तवज्जो नहीं गई बहुत लोगों की वो सुना रहा हूं, और वो भी मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम की हदीस, हजरत अनस रिवायत करते हैं जब तवील कहत हो गया मदीना में और बच्चे मरने लगे, जानवर मरने लगे, खेतियां जल गईं, कहत हो गया, तो जुमा के दिन मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सही बुखारी और मुस्लिम किताबुल मनाकिब और किताबुल इस्तिस्का। एक अराबी खड़ा हुआ, आज के यार रसूल हम मर गए, हमारी खेतियां उजड़ गई, जानवर मर गए, कुछ नहीं बचा। आपने दुआ फरमाई, बारिश हो गई, पूरा हफ्ता बारिश होती रही, ये दुआ हो गई। अगला जुमा आ गया, फिर वो अराबी या कोई और खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा यार रसूल हमारे घर गिर गए, रस्ते बंद हो गए, बारिश थमने को नहीं आ रही और घुटनों घुटनों तक पानी पानी हर तरफ है, मर गए हम। आका अलैहिस्सलाम हदीस के लफ्ज हैं, उसकी बात सुनी तो मुस्करा पड़े, फतबस्समा मुस्करा हंस पड़े, थुम्मा काला हवालेना वला अलेना। मैं खास रिवायत पढ़ रहा हूं, एक ये सही बुखारी की किताब किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3399 है, 3389, और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 897। खास रिवायत बुखारी मुस्लिम की एक पढ़ रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया हवा अलैना वला अलैना, ए बादलो हमारे इर्द गिर्द बरसो, हमारे ऊपर ना बरसो। सहाबा कहते हैं फनजर तो इला सहाब, फिर हमने बादलों को देखा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटते चले गए और मदीना शहर से हट गए और इर्द गिर्द बरसते रहे। तसद्दा हौल अल मदीना कन्नौ इकलील, मदीना से हटकर टुकड़े होकर बरसने लगे और ताज की तरह मदीना के ऊपर बादल फूट कर दायरा बन गए, गोल बन गए। और एक हदीस के लफ्ज मुत्तफक अलैह ये भी है, और वो लफ्ज हैं फमा जाअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशीरु बियदिही इला नाहियतन मिनस समा
इल्ला तफर्रजत हत्ता सारत मदीना तो भी मिस्र जौबा। आका सलाम फरमाते बादलो हट जाओ, उंगली उठा दी। फरमाते हैं खुदा की कसम हमने आंखों से देखा मेरे आका उंगली से आसमान की तरफ जिधर जिधर इशारा करते थे। युशीरो बियदे ही इला नाहियतम मिनस समा आसमान की तरफ जिधर जिधर इशारा करता था बादल बाग बाग का टुकड़े होकर उधर चला जाता था। हत्ता के इर्द गिर्द महीने तक बारिश बरसती रही और मदीने पर बादल लौट के ना आए। मेरे आका का तसर्रुफ जमीन पर भी है, मेरे आका का तसर्रुफ आसमान पर भी है, मेरे आका का तसर्रुफ दुनिया में भी है, मेरे आका का तसर्रुफ जन्नत में भी है, मेरे आका का तसर्रुफ जमादात पर भी है, मेरे आका का तसर्रुफ नबातात पर भी है, मेरे आका का तसर्रुफ बादलों और बारिशों पर भी है, और मेरे आका का तसर्रुफ कंकड़ियों और खुश्क जमीनों पर भी है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम, और ये आका की शान तो ऐलान नबुव्वत के बाद तो बड़ी पुरानी बात हो गई, वहां तो शानें बुलंद हो गई, हर शय हुजूर के दस्ते तसर्रुफ में आ गई। इमाम सियूती अल खसाइस अल कुबरा में बयान करते हैं कि जब मेरे आका की उम्र 3 साल थी 4 साल थी और विलादत के बाद हजरत हलीमा सादिया ले गई थी, हजरत शैमा रिवायत करती हैं शैमा कि सख्त दिन था, मैं लेके चली गई और दूर तक बकरियों के रेवड़ों के साथ चले गए। हजरत हलीमा सादिया परेशान हुई, दौड़ के आई, कहा बेटा शैमा मेरे बेटे मोहम्मद को दूर धूप में कहां ले गई हो। हजरत शैमा ने कहा अम्मी जान खुदा की कसम मा वजद अखी हरन रायत गुमामतन तुजिल अलैहि इजा वकफा वकफत व इजा सारा सारत हत्तंतहा इला हाजल मौदे। खुदा की कसम अम्मा हलीमा मेरे भाई मोहम्मद पर कोई गर्मी नहीं लगी, ये 3 साल का शहजादा मैंने देखा, जब चलते थे तो इसके ऊपर बादल साथ साथ चलता था, जब रुकते थे बादल रुक जाता था, और धूप की एक किरण मुस्तफा पे नहीं आने लगी। हजरत हलीमा ने कहा खुदा की कसम ऐसे ही है। हजरत शैमा ने कहा अम्मा अल्लाह की कसम ऐसे ही है। अरे आका इस्लाम के तसर्रुफ में तो ये सब कुछ अल्लाह पाक ने हुजूर के मिलाद के वक्त से दे दिया था। आखिरी हदीस सुनाकर गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं, और ये बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली चीज है, और वो वाकया यौम हुनैन का है। कुरान मजीद की सूरह तौबा में बयान किया, यौम हुनैन में मुसलमान गए फतह मक्का के बाद तो बड़ी तादाद थी, 12,000 सहाबा ये लश्कर में थे, या इसके बाद बड़ी तादाद वो गज़वा तबूक में थी जिसका मैंने जिक्र किया, 30,000 थे। 12,000 मुसलमानों का लश्कर हुनैन की जंग के लिए गया, गज़वा हुनैन के लिए, मगर कुफार की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। तो कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया, इज़ा अजबतकुम कसरतकुम फलम तुग्न अनकुम शैया वदाकत अलैकुमुल अर्द बिमा राहबत थुम वल्लैतुम मुदबिरीन, कुरान ने कहा। तो बाद सहाबा के जहन में ख्याल आया कि आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, आज दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता, ये कुरान ने बयान किया। सूरह तौबा आयत नंबर 25 कि इज़ अजबतकुम कसरतकुम, बाजों ने सोचा कि आज हमारी तादाद 12,000 है, आज दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कुरान ने कहा तुम्हारा ध्यान अपने अदद की कसरत की तरफ चला गया, तुम उस पर नाजा हो गए और एक लम्हे के लिए ध्यान हुजूर की मौजूदगी से हट गया था। ये बशरी कमजोरियां हैं, इंसानी बशरी कमजोरियां। और फिर अल्लाह ने फरमाया वो कसरत तुम्हें नफा ना दे सकी, और जमीन फराख होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। तो वाकया ये हुआ कि गज़वा हुनैन में कुफार बड़े तीरंदाज थे, बहुत बड़ी तादाद थी, उन्होंने इतने ताबड़तोड़ हमले किए, ये उन ख्यालात का जवाब दिया अल्लाह पाक ने जो बाज़ जवानों के जेनों में आया था कि आज 12,000 हमारा आदद है, हम कुफार को जंग को जीत लेंगे, हमें शिकस्त नहीं दी जा सकती। उनका ध्यान अपनी कसरत की तरफ गया एक लम्हे के लिए, बतकाज़ाए बशरियत मुस्तफा के वजूद से हटा ही था, अल्लाह पाक ने उन्हें शिकस्त दिखा दी, इतने तीर बरसाए कि पीठ फेर कर अक्सरियत सहाबा के जवान सहाबा के जंगजुओं की पीठ फेर फेर कर भाग उठी, पासा पलट गया, कुफार को फतह हो गई और सहाबा पीछे भागने लगे, कदम उखड़ गए, समा बदल गया,
जब आका अलैहि सलाम उस वक्त खामोश रहे ताकि अपनी कसरत पे नाज करने वाले, अपनी जंगी महारत पे नाज करने वाले और अददी कसरत पे नाज करने वाले अपनी महारत और कसरत का अंजाम देख लें। अल्लाह पाक ने भी इंतजार किया, देख लें जब सब कुछ हो गया। लेकिन रब चाहता नहीं था कि मुस्तफ़ा के लश्कर को शिकस्त हो, मुस्तफ़ा के सहाबा और गुलामों को बिलाखिर शिकस्त हो। एक आर्जी वक्त था, एक आर्जी लम्हा था, दुरानिया था। आका अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी को बिठाया उस मंजर में जब मुसलमानों को शिकस्त हो चुकी थी, कुफार फतेहयाब हो गए थे, उस वक्त मेरे आका ने जमीन से कंकरियां उठाई, अपनी मुठ में मट्टी उठाई, उसमें कुछ कंकरियां आ गईं। ये सही मुस्लिम में हदीस है, इब्ने हिब्बान में है, और ये सारा वाकया फिर आगे तफसील के साथ दलाइल नबूवत बेहकी में है और तमाम कुतुब में आया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो मुठ में मट्टी उठाई और कंकरियां, और आका अलैहिस्सलाम ने शाहतुल वुजूह कहकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, قابض قبضة من تراب من الارض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهد الوجوه। मट्टी उठाई, कंकरियां थी, और कुफार की तरफ मुंह करके मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि इनके चेहरे फिर गए, इनके चेहरे बिगड़ गए, इनके चेहरे कभी हो गए। ये कहकर आपने कंकरियां उनकी तरफ फेर दी। अरे 20-30 हजार काफिर हों लश्करी, एक मुठ में कंकरियां चंद मेरे आका ने फेंकी। हदीसे पाक है, दलाइल बेहकी उठाइए और इसको पढ़िए, अमर बिन सुफियान सकफी और हारिस बिन बदल नजरी की रिवायत को पढ़िए, इन तमाम कुतुब में आता है हदीस में आका ने वो कंकरियां फेंकी। एक एक कंकरी और खाक एक एक काफिर सिपाही को चुन चुन कर देख देख कर उसकी आंखों में जा पड़ी। 20-30 हजार के करीब जो लश्करी थे, कुफार थे, सबकी आंखों में एक एक कंकरी जाके लगी, सबके सरों पर लगी। मट्टी ने एक एक काफिर को चुना और उनकी आंखों में जाके भर गई। वो दौड़ निकले और जिन कंकरियों को मेरे आका ने फेंका था वो फिर वहीं नहीं गिर गई। कुफार दौड़े, जो कंकरी जिसको लगी थी वो कंकरी उसके पीछे दौड़ने लगी और उसके घर पहुंचने तक हथौड़ों की तरह उसके सर पे ठोकर मारती गई कंकरी। मट्टी उसकी आंखों में पड़ती गई, हथौड़ी की तरह ठोकर मारती गई। वो कहते हैं, फमा खुज्जला इलैना अन्न कुल हाजरिन और शजरिन फारिसुन यतलबुना व काल सकवी फाजस्त अला फरसी हत्ता दखलत ताइफ, हत्ता कि हम ताइफ शहर में घर चले गए, अपने घरों में पहुंच गए, और हमें घरों में पहुंचने तक कंकरियां हमारा पीछा करती रही, हमारे सरों पे लगती रही और हमारी आंखों में पड़ती रही। सवाल पैदा होता है, और याला बिन अता रिवायत करते हैं, वो बताते हैं, कालू मा बाकिया मिन्ना अहदुन इल्लम तलात अयनाहु व फमहु मिन तुराब व समेना सलसलतम मिन समा का मर्रिल हदीद अला तस्तिल हदीद। फरमाया, खुदा की कसम, जैसे लोहे की चादर पर हथौड़ा मारा जाता है उस तरह की आवाजें आती थी जब कंकरियां बजती थी और हमें घर तक पहुंचा कर एक एक कंकरी पीछे हटी। अब मुझे बताओ, उस कंकरी को आंखें किसने दी? एक एक कंकरी ने एक एक काफिर को जो पकड़ लिया और पहचान लिया, उस कंकरी को शऊर किसने दिया? आंखें तो भर गई। अगर मैदान जंग तक का मामला होता तो बात और थी, मगर काफिर दौड़ पड़े और कंकरी उनके पीछे दौड़ती जा रही है, उनके सर पे ठोकरे मारती जा रही है, और ताइफ शहर में दाखिल होकर उनके घरों तक कंकरी पहुंचा के आई है। उस कंकरी को ये शऊर किसने दिया? उस कंकरी को ये जिंदगी किसने दी? उस कंकरी को ये आंखें किसने दी? उस कंकरी को ये बसारत किसने दी? और मुसलसल से मारने, मुसलसल मारने की ताकत किसने दी? और उनके घरों तक पहुंचने का एहसास किसने दिया? ये मसला सिर्फ ये नहीं कि उस कंकरियों के मारने से शिकस्त हो गई, बात बहुत आगे की है। तो मेरे आका के दस्ते मुबारक लग गए और आपकी तवज्जो हुई, कंकरियां जिंदा हो गई। हजरत ईसा के मौजजे से तो मुर्दा इंसान जिंदा होते थे, मेरे दस्ते मुबारक अगर पत्थरों कंकरियों को मस कर गए तो कंकरियां बाशऊर जिंदगी पा गईं, उनको आंखें मिल गईं और घरों तक उनके घरों में पहुंचा के वापस आके दम लिया, काया पलट दी। इशारा इस अमर की तरफ था कि कोई शख्स ना अपनी महारत पे भरोसा करे, ना अपनी कसरत पे भरोसा करे, ना अपने स्किल पर भरोसा करे,
ना माल और दौलत पे भरोसा करे। आज उम्मत मुसलिमा जिस कदर परेशान और जलील हो गई, मैं पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान भाइयों को भी ये पैगाम दे रहा हूँ और इंडिया की मुस्लिम उम्मा को भी ये पैगाम दे रहा हूँ और पूरी इंसानियत को पैगाम दे रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम वो फरमाते या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, वो पूरे आलम इंसानियत के लिए रहमत और रसूल बन के आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आका सारे जहानों के लिए अल्लाह की रहमत बन के आए हैं। हम अपने ऊपर भरोसे कर गए, हमने अपना ताल्लुक आका की जात से काट दिया, आका से इश्क मोहब्बत का ताल्लुक काट दिया, हम बर्बाद हो गए। हमने अपना ताल्लुक आका अलैहि सलाम के साथ इताअत और इत्तेबा का काट दिया, हम बर्बाद हो गए, शिकस्त खुर्दा हो गए। हमने आका अलैहि सलाम की सीरत तैयबा से ताल्लुक काट दिया, हम खाली खोली मोहब्बत के नारे लगाते हैं मगर हमारी जिंदगियों में इश्क मुस्तफा अमल की शक्ल में नजर नहीं आता। हम हुजूर की मोहब्बत के दावे करते हैं मगर सीरत मुस्तफा के रंग में हमारी सीरतें ढलती नजर नहीं आती। आओ आज की मिलाद की रात अहद करो कि आज से अपनी सीरतों को मेरे मुस्तफा की सीरत के ताबे कर देंगे, अपनी जिंदगियों को हुजूर के उसवा और तरीक के ताबे कर देंगे और हुजूर इस्लाम से इश्क और मोहब्बत का दर्श लेकर जाओ जो दिलों में इश्क की चिंगारी भड़का दे, आग लगा दे और जिंदगी को आकर इस्लाम के तर्ज अमल और उसवे हसना के ऊपर चला दे। जाहिर और बातिन में हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर के दर्स को अपना लो। जब अपना लोगे तो फिर इंसान इंसान से मोहब्बत करेगा, मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करेगा, हमसाया हमसाये से मोहब्बत करेगा, गरीब अमीर से मोहब्बत करेगा, अमीर गरीब करेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से मोहब्बत करेगा, हर फर्द अपने मुआशरे से मोहब्बत करेगा। मुआशरे से बेचैनी खत्म हो जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी, फिर हम अपने वसाइल गरीबों पे लगाएंगे, अपना खाना दूसरे के मुंह में डालेंगे, लूटमार खत्म कर दें, करप्शन खत्म कर दें। और अगर हर शख्स जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए, दौलत दी, पैसा दिया, ताकत दी, अगर वो अपनी ताकत और अपने वसाइल खर्च करके अगर हुजूर की गरीब उम्मत को संवारे, इल्म को फैलाए, अमल को फैलाए, सीरत को नेक करे, तालीम आम करे, गुर्बत को मिटाए और सदका और खैरात और चैरिटी के जरिए हर तरफ अपने वसाइल आम कर दे ताकि मुआशरे में खुशहाली का दौर हो, डेवलपमेंट का दौर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ का दौर हो, हैप्पीनेस का दौर हो, तो इस हमारे अमल से अल्लाह भी खुश और आका अलैहिस्सलाम खुश होंगे और उम्मत मुस्लिमा की तकदीर बदल जाएगी। मैं इख्तिताम पर बेंगलोर के तमाम भाइयों का, मुंतजमीन का, हयात शरीफ साहब मेरे सामने बैठे हैं, अल्लामा हुसैनी मेरे सामने बैठे हैं, वो अल्लामा अमानुल्लाह पटेल मेरे सामने बैठे हैं और ख्वाजा खाजगान कानपुरी सामने बैठे हैं, दीगर उलमाए कराम, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, हमारे अहबाब ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने यहाँ इंतज़ाम किया है, तआवुन किया, वो बैठे हैं और पुलिस के अफसरान हैं जिन्होंने इनको अकोमोडेट किया और तआवुन किया, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज हुजूर का मिलाद मनाया गया। और आज इंडिया में तो फिर आपकी वो बैसाखी या कौन सा जो मौसम आ रहा है, बहार की कि मौसम की इब्तिदा, आपका फेस्टिवल आ रहा है इंडिया का जिसमें बहार का मौसम शुरू होता है, गालबन उसको आप बैसाखी कहते हैं, वो मौसम और फेस्टिवल आप मनाने जा रहे हैं, अगर मुझे मुगालता लफ्ज का नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या है? बैसाखी का मतलब क्या है कि शिद्दत मौसम की खत्म हो रही है और बहार का मौसम आ रहा है। मैं आपको बहार के मौसम आने पर इंडिया वालों मुबारकबाद देता हूं। आओ, मुस्तफा को भी अल्लाह ने बहार के मौसम में मिलाद अता किया था, आका विदा रबी और अव्वल रबी बहार को कहते हैं। अरे बहार, मेरी दुआ है हुजूर के सदके तमाम तबकात इंसानी को बहार मिल जाए और इस बहार के मौसम से इंसानी जिंदगियों को बहार नसीब हो जाए और शिद्दतें खत्म हो जाएं और उम्मत मुस्लिमा और इंसानी कायनात को बहार मिले, ठंडक मिले, प्यार मिले, सुकून मिले, अमन मिले और खुशहाली मिले। और इसके लिए आप सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान क्या मिले, पाकिस्तान के तमाम अहबाब अपना रोल प्ले करें पाकिस्तान के हालात को बदलने के लिए, इस मुल्क को खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क से गुर्बत को दूर करने के लिए। यह पाकिस्तानियों के लिए अब खास मैसेज दे रहा हूं, इस मुल्क के गरीबों के मुंह में रिज़्क हलाल का लुकमा देने के लिए,
इल्म को आम करने के लिए, लूट मार के निजाम को खत्म करने के लिए, अमानत और दयानत का निजाम लाने के लिए ये मिलाद मुस्तफा की रात। कल पाकिस्तानी कौम के लिए मेरा पैगाम है कि उठें, जुल्म के खिलाफ उठें, जबर के खिलाफ उठें, खयानत और बददियानती के खिलाफ उठें, करप्शन के खिलाफ उठें, गुर्बत और जहालत का खात्मा करें और करप्शन के हाथ रोकें और गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। जिन बेटियों के सर के दुपट्टे नहीं उनको दुपट्टे दें, जो बेघर हैं उन्हें घर दिलाएं, जो परेशान हाल हैं उनको खुशियां दिलाएं। इस अजीम पुरमन इनकलाब के लिए, जो सब्ज इनकलाब है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन है, इस इनकलाब के लिए तैयारी करो। गरीबों का वक्त आने वाला है, अमन का वक्त आने वाला है, बहार जिंदगी का वक्त आने वाला है, इंसानी हुकूक का वक्त आने वाला है, इल्म का वक्त आने वाला है। लुटेरों, वडेरों और हराम खोरों से उनकी ताकत को छीन लो ताकि पूरे खित्ते में अमन का दौर दारा हो और अदल और इंसाफ का दौर दारा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और हम सबको और पूरे खित्ते के मुसलमानों को और इंसानों को और पूरी दुनिया के इंसानों को ये तौफीक दें कि वो अदल और इंसाफ का रूल पूरी दुनिया में कायम कर सकें और जहां जहां ना इंसाफी, जुल्म और बर्बरियत और दहशतगर्दी और करप्शन है उसके खात्मे के लिए अकवाम उठ सकें। अकवाम उठेंगे तो आपको अपने हुकूक मिलेंगे और अल्लाह पाक की मदद भी नाजिल होगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम की आज रात मिलाद के सदके अल्लाह पाक आपको मजीद मदद और नुसरत और अपनी माउनत से और अपने लुत्फ करम से और इनाम और एहसान से नवाजे और हर लम्हा आका अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात और फजूजात हमारे शामिल हाल हों। मैं तहरीक मिन्हाजुल कुरान को बारे दिगर मुबारकबाद देता हूँ तमाम कारकुनों को और तंजीमात को, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में बारे दिगर मुबारकबाद देता हूँ कि यह जश्न मिलाद पाक आपकी जिंदगियों का हकीकी जश्न बन जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप पढ़ें मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सलाम पढ़िए बेंगलोर वाले। ये जश्न मिलाद पाक आपकी जाने रहमत लाखों सलाम मुस्तफा, जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे। आज़ीज़ मोहतरम, दोनों हाथों को उठाकर दीवाना वार आका की बारगाह अक़दस में सलाम पेश कीजिए। कोई बंदा खामोश न रहे, बावाज़ मुल्क कहिएगा। मिलाद की रतियां घूमे ये थी, मिलाद की रतियां घूमे ये थी, एक राज दुलारा आवत है। मिलाद की रतियां घूमे ये थी, एक राज दुलारा आवत है। मिलाद
जिला नीम भरे
सलाम फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है, तो कोई सुबह खामोश न रहे, दोनों हाथ उठाकर दीवाना मार कहिए जा Say it.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم مولا عالم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی مبارک محفل الہ العالمین سے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے الہ العالمین. الہ العالمین یہاں اس مجلس میں آنے والے اس محفل میں شرکت کرنے والے پروردگار عالم جتنی بھی ہمارے دوست ساتھی الہ العالمین سب کو دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے الہ العالمین. یا اللہ اس مجلس کو سجانے والے اس مسجد کو اس مجلس کو سجانے والے الہ العالمین منہاج القرآن تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام صاحب کو الہ العالمین اللہ دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے الہ العالمین ترقیاں عطا فرمائے الہ العالمین. یا اللہ شیخ الاسلام صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے الہ العالمین. یا اللہ جو مشن اٹھائے ہوئے ہیں دین کی ترویج و اشاعت کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی امن و آشتی اور محبت کی جو مشن اٹھائے ہوئے الہ العالمین اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے الہ العالمین. پروردگار عالم یہاں کے انتظامیہ میں جو لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ امداد کیا الہ العالمین میڈیا والے جو ہمارے حضرات الہ العالمین پروردگار عالم یہاں پہ ہماری جتنی بھی سیکورٹی مہیا کرنے والے ہمارے جتنے بھی دوست ساتھی الہ العالمین سب کو دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے الہ العالمین. الہ العالمین سب کو اجر جزیل عطا فرمائے الہ العالمین. ہمارے پیارے دوست جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں بلکہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جن کے دم سے یہ پروگرام چل رہا ہے لوگ ٹرٹر کر رہے ہیں جناب ایس پی صاحب جو محترم امتیاز صاحب ہے ان کے جو بیٹے شہید ہوئے الہ العالمین ان کی بھی درجات عالیہ عطا فرمائے الہ العالمین. کیپٹن سلمان شہید نام ہے ان کا الہ العالمین ان کو بھی درجات عالیہ نصیب فرمائے الہ العالمین. یا اللہ اس سردی کے موسم میں ٹھنڈی کے موسم میں الہ العالمین ہماری خواتین و حضرات یہاں تشریف لائے الہ العالمین. پروردگار عالم اپنے بچوں سمیت یہاں پہ پروگرام کے شروع سے اب تک بیٹھے ہوئے الہ العالمین تیرے حبیب کی رضا کے خاطر الہ العالمین ان سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے الہ العالمین. یا اللہ ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی اتباع نصیب فرمائے الہ العالمین. پروردگار عالم ہماری یہاں اس مجلس میں شرکت کرنے والے جتنے بھی میرے دوست بھائی ہیں الہ العالمین سب کو پروردگار عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طیبہ سے نواز الہ العالمین. پروردگار عالم ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے سچے اور سچے اتباع نصیب فرمائے الہ العالمین. یا اللہ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے الہ العالمین. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کے حضور کی میلاد کو گلی گلی نگر نگر کوچہ کوچہ میں مناتے رہیں گے الہ العالمین. یا اللہ ایک بار دفعہ پھر ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے پروردگارہ تیری بارگاہ میں پروردگار عالم تو ہمیں خالی ہاتھ مت لٹھائے الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے الہ العالمین. پروردگار عالم اس ملک پاکستان کو امن و محبت و آشتی اور پیار کا گہوارہ بنا دے الہ العالمین. پروردگار عالم ظالموں سے لٹیروں سے بدخواہوں سے الہ العالمین ہمیں بچا دے الہ العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور پروردگار عالم یہ جو انقلاب چل رہا ہے مصطفی انقلاب الہ العالمین اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے الہ العالمین. الہ العالمین اور اس کا ثمرہ بھی ہمیں جلد از جلد الہ العالمین طلوع ہو جائے الہ العالمین. صلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المصطفیٰ ندیم صاحب جاپان میں بیمار ہے الہ العالمین ان کو بھی شفا عاجل عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں الہ العالمین سب کو شفا عاجل عطا فرماؤ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ.